जय हिंद दोस्तों, मुबारक। लड्डू बांटना शुरू कर दो, सब कुछ तैयारी शुरू कर दो। डंके की चोट पे बीजेपी आ रही है, 70 की 70 सीट बीजेपी की आ रही है। दोस्तों, अगर इन जिहादियों को रोकना है, इस दिल्ली को इस्लामिक स्टेट बनने से रोकना है, तो यकीन मानिए बीजेपी का होना जरूरी है दोस्तों। हमारे मोदी जी का आना जरूरी है दोस्तों। और मैंने कहा था ना कि क्रोनोलॉजी को समझिए, 70 की 70 सीटें जो है किसकी आएंगी, बीजेपी की आएंगी दोस्तों। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो दोस्तों, 70 की 70। मैंने कहा था ना केजरीवाल जो है ये कौन है, ये आतंकवादी है दोस्तों, इसे बचो। कैमरा बंद करो, फोन आ रहा है, रमित पात्रा का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ रमित भैया, 4-5 सीट आ जाएंगी बीजेपी की, नहीं आ जाएंगी? ओए भैया, बड़ा डर लग रहा भैया यार, हमने वहाँ फायरिंग कराई, जामिया में वो फेल हो गया मिशन, साइनवान बाग में फायरिंग कराई, वहाँ भी मिशन फेल हो गया। फिर गुंजा कपूर भेजी हमने शाइन बाग में बुर्का पहन के, वो भी फेल हो गया। अरे सारे पैतरे फेल हो गए भैया, कल तो गिरिराज पैसे बांट रहे थे भैया, वो भी फेल हो गया भैया। अब क्रोनोलॉजी समझो यार, यार ना कैमरा बंद है, कैमरे की टेंशन मत लो यार। मैंने कह तो दिया 70 सीट आएंगी, लेकिन भाई ये हो रही है, 4-5 सीटें भी मुश्किल लग रही है यार मुझे। हमने एक स्लोगन चला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, साले को, वो भी फेल हो रहा है दोस्तों। अब यार ये जनता, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है यार, धर्म के नाम पर नहीं फंसती है दोस्तों। अरे रिंकिया के पापा से भी कुछ नहीं हुआ यार। अरे मैंने देख लिया, सारे वो देख लिए मैंने। हाँ आज तक देख रहा, आज तक भी हरा रहा मोदी जी को। हाँ न्यू 18 भी हटा रहा भाई साहब। जी न्यूज़ पे एक सहारा था, जी न्यूज़ बजा था, जी न्यूज़ को 10 बार चेक कर लिया मैंने। मैंने हो सकता पहली बार गलती, वो तो हमारा अपना चैनल है, दोबारा देख लिया, 3 बार देख लिया, सब ना हरा दिया वो बीजेपी को। हाँ बस एक, अब तो क्रोनोलॉजी पर भरोसा रह गया। हाँ, वैसे मनोज तिवारी ने ट्वीट करा है, कह रहे हैं 47 सीट आ जाएंगी। हाँ 2 दिन बाकी हैं अभी। हाँ अमित शाह भी कह रहे हैं कि पहले भी जो है ये जो वो होते हैं ना आंकड़े होते हैं मीडिया के, पहले भी फेल हुए हैं। हाँ भैया क्रोनोलॉजी का सहारा भैया अब तो। हाँ कि क्रोनोलॉजी रह गई, उसका ही सहारा रह गया। हो सकता है अमित शाह कुछ करता है, EVM में या कुछ करता है। हाँ अच्छा, लोगों से क्या कहना है कि 47 सीट आ रही हैं, अच्छा ये अफवाह फैलानी है, ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, कैमरा बंद है, 2-3 सीटें आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी ईमानदारी से? सारी EVM से आएंगी, जितनी भी आएंगी, 1-2 सीटें तो आ सकती ना ईमानदारी से? हाँ, चल कैमरा ऑन कर। भारत माता की जय, जय श्री राम। दोस्तों 70 सीट आनी है पक्की, लिख के ले लो, 70 तो आनी है, देख लेना कि 47 तो आएंगी पक्की। जय श्री राम दोस्तों।